कड़ी पत्ते के बीज होते हैं वो गिर जाते हैं यहीं पे, और यहीं पे दूसरा पौधा निकल आता है। एक कड़ी पत्ता चाहिए कड़ी में, तो देखो फूल में ज्यादा नहीं तोड़ती, जितना मुझे जरूर हो उतना ही लेती हूँ। ये आम की गुठलियाँ है देखो, इसमें से ये એનું કારણ છે નલ્લી રોપવાનું. देखो यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट लगे हुए, मैंने कोको बीट का पूरा एक ब्लॉक लाके रखा है, तो उसमें से तो यहाँ पे मैंने ये जिप्सोफिला का पहले ले लिया है, तो अब मैं सब में दो तीन दाने डाल रही हूँ, जर्मिनेट होने से पहले ही बिखर जाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरी हालत बहुत पसीना वाली है, उसको इग्नोर करना क्योंकि मैंने अभी अभी घर में झाड़ू लगाया है। तो चलो, मैंने कल कुछ भी व्लॉग नहीं डाला, लेकिन मैंने 2 दिन सापुतारा वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 व्लॉग डाला है, तो आप लोग जरूर जाके देखना। मैं 2 साल के बाद घर से कहीं दूर घूमने के लिए गई थी। वैसे सापुतारा दूर नहीं है, हमारे घर से सिर्फ 120 किलोमीटर है, लेकिन मेरे लिए तो वो भी दूर है। तो मैं यहाँ पे मेरे छोटे से किचन गार्डन में आई हूँ कड़ी पत्ता लेने के लिए, तो मैं पहले वो तोड़ लेती हूँ कड़ी पत्ता। और मैं आपको कड़ी पत्ता तोड़ने की एक टिप्स दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे, पहले तो आप ये देख लो, पूरा कड़ी पत्ते का छोटा सा जंगल जैसा हो गया है यहाँ पे, क्योंकि बारिश में ये देखो कड़ी पत्ते के बीज होते हैं वो गिर जाते हैं यहीं पे, और यहीं पे दूसरा पौधा निकल आता है। जैसे कि ये वाला तो देखो कितना बड़ा हो गया, और ये जो है वो बड़ा वाला, ये मेन कड़ी पत्ता का पौधा है। इसमें से फिर ये छोटे 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 कई सारे वहाँ तक है, ये भी देखो ये वाला भी बहुत बड़ा हो गया, कई सारे पौधे निकल आए हैं। तो चलो कड़ी पत्ता कैसे तोड़ते हैं वे वो मैं बता देती हूँ। कुछ लोग कड़ी पत्ता को ऐसे तोड़ते हैं, ये देखो इस तरह से, तो आपको इस तरह से पत्ते नहीं तोड़ने हैं, आपको सिंपली इस तरह से पूरी की पूरी डंठल ही तोड़ लेनी है कड़ी पत्ता की। या फिर आप ये है यहाँ से पूरी पूरी 4-5 डंठल के साथ एक साथ भी डंडी तोड़ सकते हो, लेकिन मुझे मेरे किचन गार्डन में ही है, तो मुझे जितनी ज़रूरत होती है उतना ही मैं तोड़ती हूँ। तो मुझे अभी एक कड़ी पत्ता चाहिए कड़ी में तड़का लगाने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक ही ले रही हूँ। और ये देखो कड़ी पत्ता की वजह से मेरा मिर्ची का पौधा भी छुप गया है, रुको एक दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा मिर्ची का पौधा, और इसमें ये देखो यहाँ पे फूल भी आने लगे हैं, अब तो छोटा सा ही है। बाजू में एक दूसरा सा मिर्ची का पौधा है, और किचन में आई ही हूँ तो कुछ फूल वगैरह भी तोड़ लेती हूँ ताकि मंदिर में रख सकूँ। तो देखो फूल में ज़्यादा नहीं तोड़ती, जितना मुझे ज़रूर हो उतना ही लेती हूँ। तो ये दो मैंने जासूद के फूल तोड़े, इसे गुड़हल के फूल भी कहते हैं या हिबिस्कस के, और एक मैं यहाँ पे तोड़ रही हूँ, ये देखो ये देसी गुलाब है, मैंने यहाँ पे एक देसी गुलाब भी ले लिया। तो चलो अभी वापस जाते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत से अलग अलग कुछ और तरह के पौधे निकल आए हैं। तो चलो वापस चलते हैं। और ये देखो आज घर पे बन रही है तुअर की सब्जी, ये देखो, और साथ में है चावल कढ़ी और ज्वार की रोटी। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं बाजार, कुछ काम है और एग्रीकल्चर में भी जाना है। और ये देखो मेरा चंपू मुझसे पहले आ गए मुझसे पहले, इसको बस पता ही लगना चाहिए कि हम कहीं जाने वाले हैं, हमसे पहले आगे निकल जाता है। तो
ये देखो यहाँ पे है एग्रीकल्चर नवशारी कृषि विश्वविद्यालय। एग्रीकल्चर के मेन गेट में हमने एंट्री ले ली है। अभी अंदर तो बहुत 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 दूर जाना है। और ये कितना तो मस्त देखा है क्या, यहाँ के वाइब से कुछ अलग है। एकदम ठंडा ठंडा एसी जैसा लग रहा है। अभी बहुत आगे जाना है। ये एग्रीकल्चर का एरिया मुझे एक पूरे गांव की जैसा लगता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग डिपार्टमेंट है। और ये देखो ये शायद चीकू के पेड़ लगे हुए हैं। ये देखो उसमें चीकू भी लगा हुआ था। और ये जो रास्ते पे आप देख रहे हो वो है नारियली, इतनी सारी नारियली, ये लोग सुबह शाम नारियल पानी पी सकते हैं। हाँ मुझे भी मेरी बाड़ी में ऐसा ही कुछ करना है, पूरे कॉर्नर कॉर्नर पे नारियली लगा देनी। तो चलिए चलते हैं आगे और लेते हैं कलम। किसकी कलम लेने वाले हैं वो मैं आगे जाके दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे कलम करने के लिए गोटले को किस तरह से उगाया है। ये आम की गुटलिया है। और ये देखो ट्रे को उल्टा करके इस तरह से, ये मैंने भी पहली बार देखा। और ये देखो हम आ गए हैं एक बड़ी सी नर्सरी में। और यह इसमें शायद कुछ, और ये देखो यहाँ पे है ट्रे, सीडलिंग ट्री। और नीचे भी ये देखो आम की गुठलियों को किस तरह से किया है इसमें। ये देखो इसमें से ये बीज तो निकला है, पत्ते ग्रो किया है। और ये देखो यहाँ पे भी एक उगने वाला है, आम का पौधा निकलने वाला है यहाँ पे भी। ये देखो कितनी सारी गुठलियाँ यहाँ पे रखी है। अरे अभी नली ले जाए તમે તમે એટલે અમુક જ ટકા એવા વિચારે કે મોટી રોપે બાકી કેટલા બધા નલ્લી બી એટલે એનું કારણ છે નલ્લી રોપવાનું। ये देखो यहाँ पे ये क्या हूँ किधू रजनीगंधा फूल, हाँ फ्लावर, रजनीगंधा के फ्लावर यहाँ पे खेती हो रही है उसकी। और ओ माय ये देखो ये बनाना, केले की खेती। और यहाँ पे ये भी कुछ शायद है, ये क्या है ये नीचे वाला कोई आइडिया नहीं है ये किसकी खेती है। लेकिन ये देखो और बनाने की लूम तो आ भी गई है। ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो तो ये है पूरा एक खेतर बनाना। और ये शेरडी है सुगर कैन। ये देखो सुगर कैन कितने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। और यहाँ पे इतनी ठंडक है ना कि मानो एसी जैसा ही लग रहा है। तो हम लेने आए थे आम के पौधे लगाने के लिए आम की कलम, लेकिन वो हमें बहुत छोटी सी मिली। और हमें चाहिए थी बड़ी वाली, यानी कि 4-5 फीट से ज़्यादा की मिल जाए तो हम वैसी लेना चाहते थे। तो यहाँ पे सिर्फ 1.5-2 फीट की ही थी तो हमने वो नहीं ली। अभी हम जामुन का पौधा लेने के लिए जा रहे हैं। तो चलो जामुन का, जामुन की कलम लेते हैं अभी। ये देखो यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट लगे हुए। ये ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट लगे। ओके फूल के पीछे ड्रैगन फ्रूट लगते हैं। ये देखो हाँ ये देखो तो इस तरह से यहाँ पे कितने सारे ड्रैगन फ्रूट लगे हुए हैं। ये देखो और बाजू में क्या तालाब जैसा कुछ है। ये देखो तो पानी भर गया है बारिश की वजह से। और हम आ गए हैं सीधे बाहर के गेट की तरफ। ये हम कहीं दूसरे गेट से निकल रहे हैं। गेट पास कौन है अपन? तो ये देखो ये हमने एक कलम ली है, ये लाल जामुन की कलम है। ये देखो और हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि योमेश ट्रैवलिंग का कर रहे,
करते हैं, तो उनको कल बॉम्बे जाना है, तो हम यहाँ पे उनके फ्रेंड के यहाँ गाड़ी लेने आए हैं। तो चलो अभी मैं एक्टिवा पे घर जाती हूँ और योमेश मेरे पीछे पीछे गाड़ी लेके आते हैं। मिलती हूँ आपसे घर जाके, बाय बाय। तो गाइस मैं वापस घर आ गई हूँ और अभी घर आके मैं थोड़ी देर करूँगी आराम, क्योंकि हम लोग गाड़ी लेने के लिए काफ़ी दूर गए थे घर से, तो मैं अभी थोड़ी सी थक गई हूँ और दोपहर के 2 भी बजने वाले हैं, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। सो गाइस अभी हो गई है शाम और मैं उठ गई हूँ, उठ नहीं गई हूँ, मैं सोई ही नहीं क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आई, मैंने बस ऐसे ही पड़े पड़े फोन में देखा। तो चलिए अभी मैं उठ के फ्रेश हो गई हूँ, हाथ मुंह धो के, और अभी मुझे कुछ फ्लावर के बीज की सैपलिंग्स तैयार करनी है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए वो करते हैं। पहले डायरेक्ट बीज से फूलों की शुरुआत करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लिया है और बाकी का हम कोकोपीट यूज़ करेंगे। तो ये कोकोपीट मेरा है यहाँ पे, तो मैं पहले इसमें डाल देती हूँ कोकोपीट। तो ये देखो मैंने कोकोपीट का पूरा एक ब्लॉक लाके रखा है, तो उसमें से जब भी मुझे चाहिए तो मैं थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो वैसे ये मेरा पहली बार ही है कोकोपीट के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो अभी इतना सा कोकोपीट इनफ होगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फ्लावर के शीट भी नहीं है। वो फ्लावर के सीड्स में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने यहीं कहीं शायद रखे थे, पता नहीं ये रहे, तो ये देख लो यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्लावर के शीड है, जैसे कि ये कॉशमोस का है और ये पेंसी मिक्स है, पेंसी मिक्स फ्लावर, और इसके बाद ये जीनिया का है और ये है सेल्विया, ये है फ्लॉक्स, डेल्फिनियम, और ऐसे ही कई कई तरह से यहाँ पे है मेरे पास, आप इसमें नाम पढ़ लेना। ये है अल्जायम, पिटूना, पेटूनिया, पेटूनिया, ये है और जिप्सोफिला। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तरह के फ्लावर के बीज है। और चलिए इसे बोते, इसको एक ट्रे में पहले तैयार करते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है, जर्मिनेट हो भी हो पाते हैं कि नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जर्मिनेट हो जाएंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे ये मेरा वर्मी कंपोस्ट और मेरा कोकोपीट अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद ट्रे में फिल कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये जिप्सोफिला का पहले ले लिया है, तो अभी हम इसमें बोएंगे। और मुझसे पहले मैं इस वाले छोटू से कारीगर ने काम करना शुरू कर दिया है, मैं सब में दो तीन दाने डाल रही हूँ ताकि कोई एक दाना जर्मिनेट हो जाए। गुड्डू ला मम्मा ने आप ही दे। अभी हम सब दाने को ऊपर ऊपर से इस तरह से दबा देंगे।
इस वाले में थोड़ा कोकोपीट और डाल देती हूँ। मैं ज्यादा अंदर भी नहीं डालने हैं दाने कि वो जर्मिनेट होने से पहले ही बिखर जाए। तो अभी मैंने इस तरह के आइसक्रीम की स्टिक लिख दिया है ताकि मुझे याद हो कि ये कौन सा बीज मैंने बोया था। तो मैं इसे यहाँ पे लगा देती हूँ और अभी लेते हैं नेक्स्ट। तो ये देखो, ये मैंने कॉस्मोस का लिया है फ्लावर। तो मैं पहले इसमें लिख देती हूँ कि मैंने कॉस्मोस का लिया था। अभी आपको दिखाती हूँ कि कॉस्मोस के बीज किस तरह से होते हैं। तो ये देखो, कुछ इस तरह के होते हैं कॉस्मोस फ्लावर के बीज, और फ्लावर लगने के बाद कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो ये देखो, ये है फ्लावर कॉस्मोस के और ये है उसके बीज। तो चलो अभी इसको डालते हैं इसमें कोकोपीट में। और ये दाने बड़े बड़े हैं तो मैं एक एक या दो दो ही डालूंगी ताकि कोई एक दाना जर्मिनेट हो जाए। इस तरह से सभी बीजों को लगा दिया है, ये देखो। और मैंने घर में लाके रखा है क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो आज मैंने बहुत सारे फूलों के बीज बोए हैं। अभी देखते हैं कि कितने उग पाते हैं और कितने नहीं उग पाते हैं। और अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आए तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मैंने अभी माइक नहीं लगाया है। और मैंने ऑनलाइन वेजिटेबल्स के भी काफ़ी सारे बीज मंगवाए हैं। ये देखो, ये सारे 45 वेजिटेबल्स सीड्स है। तो अभी उसको भी मुझे लगाना है, लेकिन वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ और मैं मिलूंगी आपको कल एक नए वीडियो के साथ। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे कि मैं एक दिन छोड़ के एक और या फिर रोज़ मैं वीडियो डाल सकूँ। मैं बार बार बोलती हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पाता क्योंकि त्रिशिव बहुत छोटा है और त्रिशिव के साथ सब हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास एक छोटा सा बच्चा हो तो उसको बड़ा करने में आपको तीन बड़े बच्चे चाहिए। मैं, मम्मी और योमिस तीनों भी काफ़ी नहीं पढ़ते त्रिशिव के साथ कभी कभी। तो इसीलिए चलो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।